Hello and welcome back to my YouTube channel. Today, in this video, I am going to explain you all about the WORD 4 DOT test. The main heads we are going to discuss about in this topic is the introduction of the test, its procedure and the interpretation of the result obtained after doing the test. So guys, if you haven't subscribed my channel, subscribe it now and press the bell icon to stay updated with the new uploads. The WORD 4 light test, also known as the WORD 4 DOT test or W4LT, is a clinical test mainly used for assessing the patient degree of binocular vision and binocular single vision. तो WORD 4 light test, जिसे कि हम WORD 4 DOT test भी बोलते हैं, patient के binocular single vision या binocular vision की degree का पता लगाने के लिए एक test होता है. WORD 4 light test हम right या left eye के suppression को भी पता लगाने के लिए करते हैं. अगर आपने बायनोक्युलर सिंगल विजन अभी तक नहीं पढ़ा है तो पहले उसे पढ़ लीजिएगा. मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दी है. बायनोक्युलर सिंगल विजन समझने के बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. सप्रेशन में हमारी आईज ब्रेन तक मैसेज नहीं पहुँचा पाती है, जिसकी वजह से सप्रेशन हो जाता है. द WORD 4 डॉट टेस्ट कैन बी परफॉर्म बाय द एग्जामिनर एट टू डिस्टेंसेज, एट नियर 33 सेंटीमीटर एंड एट फार 6 मीटर फ्रॉम द पेशेंट. WORD 4 डॉट टेस्ट दो डिस्टेंसेस पर किया जा सकता है. नियर में करना है तो पेशेंट से 33 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे करेंगे, और अगर फार में करना है, फार यानी दूर में करना है, तो पेशेंट से 6 मीटर की डिस्टेंस पे करेंगे. दोनों ही डिस्टेंसेस पर पेशेंट को रेड ग्रीन गॉगल्स पहनाना है, जिसमें यूजुअली हम रेड फिल्टर राइट आई पर लगाते हैं और ग्रीन फिल्टर लेफ्ट आई में लगाते हैं. रेड ग्रीन गॉगल्स ऐसा दिखता है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं. तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि जो रेड फिल्टर हमारा होता है वो राइट आई पर ही लगाते हैं और ग्रीन फिल्टर लेफ्ट आई पे. व्हेन परफॉर्मिंग द टेस्ट एट फार, द WORD 4 लाइट टेस्ट इंस्ट्रूमेंट इज कंपोज्ड ऑफ सिल्वर बॉक्स माउंटेड ऑन वॉल इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट विच हैज़ 4 लाइट इनसाइड इट. तो WORD 4 लाइट टेस्ट दूर पर करने के लिए हम सिल्वर बॉक्स का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर 4 लाइट्स लगी रहती हैं. ये चारों लाइट्स डायमंड के शेप में अरेंज होती हैं. रेड सबसे ऊपर, ग्रीन लाइट राइट एंड लेफ्ट साइड में, और एक वाइट लाइट तीनों लाइट्स के नीचे होती है. जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये डायमंड शेप का अरेंजमेंट होता है और लाइट्स ऐसे अरेंज होती हैं. व्हेन परफॉर्मिंग द टेस्ट एट नियर, मतलब कि 33 सेंटीमीटर, द 4 लाइट्स आर अरेंज्ड इन एग्जैक्टली द सेम मैनर डायमंड फॉर्मेशन, विद द डिफरेंस बीइंग एट नियर द 4 लाइट्स आर लोकेटेड इन अ हैंड हेल्ड इंस्ट्रूमेंट विच इज सिमिलर टू अ लाइट टॉर्च. नियर में मतलब 33 सेंटीमीटर पर WORD 4 डॉट टेस्ट करते टाइम हम एक हैंड हेल्ड डिवाइस का यूज़ करते हैं, जो देखने में बिल्कुल टॉर्च की तरह होता है, और लाइट का अरेंजमेंट इसमें भी डायमंड शेप्ड ही होता है. लाइक यू कैन सी इन द फिगर, ऐसा ही होता है हैंड हेल्ड डिवाइस जिसको हम यूज़ करते हैं नियर का WORD 4 डॉट टेस्ट करते टाइम. अब ये आपको याद रखना है कि जो रेड फिल्टर होता है वो ग्रीन लाइट को ब्लॉक करता है, और जो ग्रीन फिल्टर होता है वो रेड लाइट को ब्लॉक करता है. तो रेड ग्रीन गॉगल्स लगाने पे हम इजीली डिटरमाइन कर लेंगे कि पेशेंट दोनों आईज को यूज़ एक साथ कर रहा है कि नहीं. नेक्स्ट आते हैं मेथड ऑफ असेसमेंट पर, कि इसका प्रोसीजर क्या होता है. फर्स्ट यू मस्ट प्लेस द रेड ग्रीन गॉगल्स ओवर द पेशेंट आई. नेक्स्ट यू मस्ट डिम द रूम लाइटनिंग. फॉर डिस्टेंस मेजरमेंट यू शुड हैव द पेशेंट सेट अप एट 6 मीटर अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स एंड फॉर नियर 33 सेंटीमीटर. सबसे पहले हमें पेशेंट की आंखों पर रेड ग्रीन गॉगल्स लगाना है. उसके बाद हम रूम लाइट्स को थोड़ा कम कर देंगे, जिससे कि पेशेंट को बॉक्स की 4 लाइट्स अच्छे से दिख सकें. अब पेशेंट से बोलिए कि जो लाइट्स उसे दिख रही हैं वो उसके बारे में बताए, जैसे कि कितने डॉट्स उसे दिख रहे हैं, उनका कलर क्या है, अरेंजमेंट क्या है. WORD 4 डॉट टेस्ट के रिजल्ट का पता लगाने के लिए क्लिनिशियन को पेशेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछने होते हैं. पेशेंट की एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए इन क्वेश्चंस का बहुत बड़ा रोल होता है. ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता देती हूँ, सो दैट वाइल डूइंग द WORD 4 डॉट टेस्ट यू कुड ईजिली फाइंड आउट द एक्यूरेट डायग्नोसिस. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइट्स आर यू सीइंग, आपको कितनी लाइट्स दिख रही हैं. व्हाट कलर आर दे, वेयर आर दे लोकेटेड, लाइट्स का कलर और अरेंजमेंट क्या है. आर ऑल द लाइट्स इन लाइन और सम हायर देन द अदर्स, क्या सारी लाइट्स एक ही लाइन में है या फिर कोई ऊपर या नीचे भी है. फोर्थ, डू ऑल द लाइट्स शो अप एट वन टाइम और दे आर फ्लैशिंग ऑन एंड ऑफ, सारी लाइट्स एक ही साथ दिख रही हैं या फिर कोई जलती या बुझती, कोई ऑन ऑफ भी है उसमें. नेक्स्ट हम आते हैं कि WORD 4 डॉट टेस्ट की असेसमेंट से हमें रिजल्ट क्या मिलता है. फर्स्ट, पेशेंट रिस्पॉन्स इज 4 लाइट.
दे सी फोर लाइट्स, वन रेड, टू ग्रीन एंड वन मिक्स्ड कलर। तो पेशेंट को चार लाइट्स दिखाई दे रही हैं, जिसमें कि एक रेड है, दो ग्रीन है और एक मिक्स्ड कलर है या फिर वाइट। तो इससे जो फाइनल इंटरप्रिटेशन होगा वो ये कि पेशेंट में बायनोक्युलर विजन नॉर्मल है। अगर पेशेंट को मैनिफेस्ट स्क्विंट ना हो और उसे चारों लाइट्स दिख रही हों तो पेशेंट नॉर्मल बायनोक्युलर सिंगल विजन का है। यूँ तो हो गया कि पेशेंट का रेटिनल करस्पॉन्डेंस नॉर्मल है, लेकिन अगर एबनॉर्मल रेटिनल करस्पॉन्डेंस का केस होगा तो मैनिफेस्ट स्क्विंट वाले पेशेंट को भी चारों लाइट्स सही दिखेंगी। तो इन एबनॉर्मल रेटिनल करस्पॉन्डेंस, व्हेन क्वेश्चन अबाउट द लाइट्स, द पेशेंट विल गिव अ नॉर्मल रिस्पॉन्स एंड विल सी द लाइट्स एग्जैक्टली एज दे अपीयर। तो फर्स्ट हमारा हो गया कि पेशेंट को चार लाइट्स दिख रही हैं। अब इसमें दो केसेस बनते हैं कि रेटिनल करस्पॉन्डेंस नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, वो आपको याद रखना है। उसके बाद सेकेंड हम आते हैं, पेशेंट रिस्पॉन्स ओनली थ्री ग्रीन लाइट्स। अब पेशेंट को यहाँ पर सिर्फ तीन ग्रीन लाइट दिख रही हैं, तो इसका मतलब है कि उसे राइट आई सप्रेशन है। तो इस केस में फाइनल रिजल्ट होगा राइट आई सप्रेशन। थर्ड, पेशेंट रिस्पॉन्स ओनली टू रेड लाइट्स। पेशेंट को सिर्फ दो रेड लाइट नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि उसे लेफ्ट आई सप्रेशन है। तो इस केस में हमारा फाइनल रिजल्ट होगा लेफ्ट आई सप्रेशन। फोर्थ, पेशेंट रिस्पॉन्स थ्री ग्रीन लाइट एंड टू रेड लाइट ऑल्टरनेटिवली। अगर पेशेंट को एक के बाद एक तीन ग्रीन लाइट और दो रेड लाइट दिख रही हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, एक बार तीन ग्रीन लाइट दिखती है, उसके बाद दो रेड लाइट दिखती है, तो ऑल्टरनेटिवली अगर पेशेंट को ये दिख रहा है, इसका मतलब ये ऑल्टरनेटिंग सप्रेशन का केस है। तो फाइनल रिजल्ट हमारे इस केस में हो जाएगा ऑल्टरनेट सप्रेशन। नेक्स्ट है, पेशेंट रिस्पॉन्स फाइव लाइट्स, टू रेड एंड थ्री ग्रीन। अगर पेशेंट को पांच लाइट्स दिखाई दे रही हैं जिसमें दो रेड है और तीन ग्रीन है, तो इसका मतलब कि पेशेंट को डिप्लोपिया है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि अगर पेशेंट को रेड इमेज राइट साइड दिख रही है और ग्रीन लेफ्ट साइड दिख रही है, तो ये अनक्रॉस डिप्लोपिया का केस होगा। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, रेड इमेज राइट साइड और ग्रीन लेफ्ट साइड, तो ये अनक्रॉस डिप्लोपिया हो गया। लेकिन इसका अपोजिट, अगर रेड इमेज पेशेंट को लेफ्ट साइड दिख रही हो और ग्रीन इमेज पेशेंट को राइट साइड दिख रही हो, तो ये हो जाएगा क्रॉस डिप्लोपिया का केस। पेशेंट रिस्पॉन्स फाइव लाइट्स, टू रेड एंड थ्री ग्रीन, वर्टिकली डिस्प्लेस्ड इन रिलेशन टू वन अनदर। इसका मतलब है कि पेशेंट को अगर पांच लाइट्स दिख रही हैं और रेड लाइट ऊपर, ग्रीन लाइट नीचे, मतलब आपस में ये वर्टिकली डिस्प्लेस्ड हैं, कुछ इस तरह का दिख रहा है, तो ये हो जाएगा केस वर्टिकल डिप्लोपिया का। तो फाइनल रिजल्ट हमारा इस केस में होगा वर्टिकल डिप्लोपिया विथ राइट हाइपोट्रोपिया। तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट इंटरप्रिटेशन। सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द टॉपिक, यू मे आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। और अगर कोई और टॉपिक भी आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।